खराब 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 पूरा खराब तू नहीं पूरा कर दे इस वक्त हम मौजूद हैं डढ़वा गांव के मुसहर टोला में, मांझी टोला में। यहां पर देख सकते हैं एक हृदय विदारक घटना हुई है, जहां पे एक नव युवक का मृत्यु हो गया है। आप देख सकते हैं, आइए जरा, एक नव युवक का मृत्यु हो गया है, जिसका कि अगर उम्र की बात करेंगे तो उम्र होगा लगभग 25 साल के आसपास। हाँ, लगभग 25-27 साल के आसपास उम्र है। और देख सकते हैं गांव में दिखाई, गांव में पूरा मातम का माहौल है, सब लोग रो रहे हैं, बहुत ही बुरा स्थिति है। हम जानते हैं आखिर कैसे इनका मृत्यु हो गया और कौन कौन है इसके परिवार में, और जितने भी यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी हैं, सबसे मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि इस पीड़ित परिवार को जहाँ से हो सके हर संभव मदद देने की प्रयास करें। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ग्रामीण हैं, हम बातें करते हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका, इधर आ जाइए। हम डढ़वा से गोलूतुरी। हाँ, क्या बोले? डढ़वा से गोलूतुरी। ये कैसे मृत्यु हो गया, कोई पता है क्या? मृत्यु हो गया कि भूत मरु हो गया, भूत कहीं काम धंधा करने गए था, इसको भूत चोटा दिया, मर गया, इसी कारण से मृत्यु हो गया। इसका कोई रोग विघ्न नहीं था, समझे न? इसको जहाँ तक हो हम लोग जानते हैं कि इसका व्यवस्था किया जाए, समझे न? मजदूर आदमी है, सब छोटे छोटे बाल बच्चा है इनका, इनका हम चाहते हैं कि बहुत मदद हम लोग की तरफ से, सरकारी विभाग से, समझे, इसका कुछ मदद हो जाए। हम लोग गरीब परिवार है, मजदूर, इसका चिगड़ मांझी नाम है, समझे न, मुसहरी टोला, चिगड़ मांझी। चिगड़ मांझी, जो जैसे कि आप सुन पा रहे थे, इनका काम था झाड़ फूक करना, और गांव के ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि इसकी मृत्यु भूत के झाड़ फूक करने के कारण ही हुआ है। ये किसी भूलवश भूत ने इसको चोटा दिया, और इनका नाम है चिगड़ मांझी। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका बच्चे को आप देख सकते हैं, कौन है इसका बच्चा, आ जाइए। देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन छोटे छोटे बच्चे का यहाँ रख दीजिए। अच्छा ठीक है, इनका इनका ये कौन है परिवार, इसका परिवार है ना। हाँ, यहाँ देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और इनके छोटे छोटे बच्चे के माथे से इनका परिवार का साया उठ गया, इनका पिताजी का साया उठ गया, और इस घर घर में एक ही कमाने वाले थे, जिनके कमाने से परिवार चलता था, और आज इस परिवार का जो मुखिया है वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हम सबसे दरख्वास्त करते हैं कि इनको अधिक से अधिक मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि इनका भरण पोषण किसी तरह से हो सके। हम देखते हैं, बात कर सकते हैं, क्या नाम है बाबू? विष्णु कुमार। पिताजी का मृत्यु कैसे हो गया, हिंदी में खोठे में बोल जे। हाँ, मतलब हाँ, भूते मर दिल को, तो एकदम जैसे कि इसके पहले को बीमारी या फिर को ऐसे कुछ बात नहीं चलो? कुछ भी नहीं, बीमारी थी। वो बीमारी नहीं था, भूत मार दिया इनका परिवार है। तो किसे गुजर बसर किसे चले अला? नहीं, कम है। हाँ, तो चले हले। और अब फिर अब कैसे आगे कैसे चलता बताओ? कैसे चलते बाबू, अब क्योंकि खियावे पियावे बाल बच्चा। हाँ, जैसे आप देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बाल बुतरू हैं, इनका कैसे भरण पोषण होगा, यही एक ही कमाने वाले थे। आइए और हम बातें करते हैं कुछ ग्रामीणों से। खोरठा में? हाँ सर, हम लोग तो हिंदी नहीं बोल सकते, हम लोग तो खोरठा आदमी है, गरीब आदमी है। मतलब देखो की करिए, गरीब आदमी ये, हम की करब,
अब इरे भै गए कि भूते मार दिल के ओरा जख और पाँच गो बाल बच्चा किरण पसाते मालिक अब तोरे विचार हाथ में। तो ये विचार केकर हाथ में छोड़ा, पुलिस प्रशासन या फिर केकरा से मदद केकरा चाहिए? जे मालिक से हमारे बीकी सिंह बकरे से। हाँ, यहाँ का जो, हाँ ठीक है, यहाँ का जो वर्तमान विधायक हैं बिक्की सिंह, इन सब से दरख्वास्त कर रहे हैं, और कोई बातें करें? जैसे बोलो तो की नाम चुका? राजू मांझी। राजू मांझी, तो चिगड़ कैसे मर गए, कैसे मृत्यु हुई? हमें यहाँ नहीं, और भगीना बोल सके। अच्छा, तो भगीना चुका, तो ये की काम करे? काम की कैसे ये है कि कैसे मजदूरी की कैसे करे चले, भट्टा में काम ताम करे चले। अच्छा। वह पारे तो लोग कैसे भूते मार दिल के? अब हम किचन के लिए कि हम मानपुर हमार घर से। अच्छा, तो आज तो यहाँ कखनी आलो? फोन करी बोला कि कैसे भोरे। की नाम चुका? शुक्र मानी वाला। तो एक नाम के लिए जो मरले चिगड़ मांझी छले? चिगड़ मांझी। तो कैसे मर गेले, तोरनी की जाने छ ओकर बारे? हम नहीं की जानबो, सब बोल रहल छे कि भूत मार देल छे, भूत मार देल छे। ती हस्त बात छ, तो कुछ बात नहीं। अगर छोटा छोटा बाल बच्चा है किरंग से गुजर बछर जाते, अब देखा जरे बिचार। अब देखिए, मामला कुल मिलाकर के ये होता है, चाहे जैसे भी मृत्यु हुआ हो, भूत मार दे, चाहे सांप काट ले, या फिर किसी भी कारण से मृत्यु हुआ हो, इनका मृत्यु तो हो गया। अब है कि आगे घर परिवार और कैसे इनका सब कुछ चलेगा, सबसे अहम मुद्दा यही है। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं डढ़ावा पंचायत के धवाना गांव के निवासी समाज सेवी, जो आने वाले पंचायत चुनाव में मुखिया प्रतिनिधि इनके घर से होने वाले हैं, और आज यहाँ पर ये पहुँचे हैं। आइए हम इनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि कैसे इनको खबर पता हुआ और यहाँ तक पहुँचे, और आगे की प्रक्रिया क्या होने वाला है। स्वागत है सर आपका मेरे चैनल पर। जी जी। और आज ये आप सबसे पहली बात है कि यहाँ पर पहुँचे कैसे, किन्होंने आपको बताया? सबसे पहले तो हमको गोलू भाई ने फ़ोन किए, लगभग करीबन 9 बजे। 9 बजे फ़ोन किए तो बहुत दुख की घटना था, यहाँ बताया। एक तो डढ़ावा पंचायत है और डढ़ावा गांव भी है, और सबसे बड़की बात है कि टोला मुसारी टोला है। मुसारी टोला एक ऐसा होता है कि जहाँ समाज ऊंचा पे रहता है, वहाँ हर आदमी जाता है, प्रेजेंट होता है। हाँ। और जहाँ नीच कास्ट का, नीच वर्ग का, गरीब गरीबा जितना भी आदमी रहता है, उसके लिए कोई आदमी नहीं पहुँचता, कोई सुनवाई करने के लिए नहीं है। इस आदमी ने बारी बारी हर आदमी को फ़ोन किया होगा, किया नहीं किए, लेकिन कोई आदमी आज तक अभी तक पहुँचा नहीं। बोलिए कितना दुखी घटना है, किसी घर से, मानिए तो घर का ये मुखिया है, ये आज चल बसा यहाँ से, नहीं कुछ किए, नहीं कुछ करता है, नहीं कुछ क्या होगा। तो आ करके इन सांत्वना देना चाहिए, एक कुछ भी बात विचार रखना चाहिए, जैसे इसको है हर चीज़ से सहयोगी करना चाहिए, तो वो सब तो करता नहीं है। चलिए ठीक है, जो है ठीक है। इसके बाद गोलू भाई ने हमको फ़ोन किया कि आपको मुखिया जी आना है, हम बोले ठीक है चलिए आते हैं। तो इससे घटना सुन करके वहाँ से हम भागते हुए आए, भागते हुए आए, फिर देखे तो अब तो जो हो चुका है सो तो हो चुका है, रंगा मोड़ से आए हमने, तो फिर जो घटना है सो तो हो चुका है। अब इसको कैसा निर्णय निराकरण जो होगा जो होना चाहिए, जहाँ तक है हम लोग इसको, जहाँ तक है हम लोग जिस ढंग से तन मन धन इससे जहाँ तक लगे हम लोग सहयोगी कर सकते हैं, और विशेष क्या कर सकते हैं, अभी तो कुछ है नहीं ना। हम लोग अब जा अगर यदि नहीं मिले तो इसको कोई करने वाला है कुछ नहीं, इसको हम लोग का पूरे पंचायत का प्रतिनिधि जितना भी है और आगे का जो भी जहाँ जो स्तर पर है सब मिल के इसको जो भी लगे मुआवजा हो जाए, और किसी तरह से जिसको जहाँ जिस ढंग से पड़े उस ढंग से इसको मिलना चाहिए हर चीज़ से, ताकि इसको बाल बच्चा आज कोई खटने वाला नहीं रहे, न कमाने वाला रहे, न इसको खिलाने वाला रहे, तो उसको सहयोगी कोई देने वाला रहेगा तब तो इसको चलेगा। अगर नहीं तो इसको जो है यहाँ से अब धीरे धीरे परिवार बिखर जाएगा, बिखर गया है, इसका कुछ रहा नहीं। एक तो कोई ऑनेस्ट परिवार का है नहीं जो इसको चलाने वाला है, एक तो शाम खटेगा सुबह खाएगा, सुबह खटेगा शाम खाएगा, बेचारा जो खटने वाला है वो भी यहाँ से चल बसा, तो उसको फिर खिलाने वाला कौन रहेगा। इस परिवार को एक उचित मुआवजा मिलनी चाहिए। और सर अगर कोई नहीं सुनता है, ठीक है, जैसे कि जानते हैं कि सरकारी ऑफिस में एक जब तक कोई पावरफुल आदमी नहीं जाता है तब तक इन गरीब गरीबों को सुनने वाला नहीं, कोई नहीं है। नहीं है, नहीं है। तो आशा करते हैं कि इनको मुआवजा दिलवाने में आपका एक
भूमिका रहेगा, अहम भूमिका रहेगा, जहाँ तक होगा कोशिश हम लोग करेंगे और जितना अच्छा से अच्छा होगा उतना हम लोग करेंगे। धन्यवाद सर। आप तमाम चैनल देख रहे थे मेरे चैनल द जनता प्लस के माध्यम से। इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस परिवार के एक संतावना के लिए एक बार जरूर इनके दुआ करिए। जय हिंद, जय भारत। राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है।